गैस, जब भी रेडमी कोई भी एक स्मार्टफोन लॉन्च करता है, उसके साथ कड़ी से कड़ी टक्कर देने के लिए रियलमी ने उसका पीछा नहीं छोड़ता। क्योंकि गैस, कुछ दिन पहले रेडमी ने एक कमाल की डिवाइस लॉन्च किया था, जो स्मार्टफोन आता है गैस 10,000 रुपीज़ के अंदर। उसी के साथ साथ नॉर्मल यूजर के लिए बहुत ही अच्छा खासा स्मार्टफोन है, जिसका नाम है रेडमी 8A। गैस, उसी स्मार्टफोन के साथ कड़ी से कड़ी टक्कर देने के लिए रियलमी ने उसका सी सीरीज का एक नया स्मार्टफोन लेने वाला है 6 फरवरी को, जिसका नाम है दोस्तों C3। ये स्मार्टफोन रियलमी C2 का सक्सेसर, उसी के साथ साथ रेडमी 8A के साथ बहुत बड़ा सा टक्कर भी देने वाला है। तो यहाँ पर काफ़ी सारा दोस्तों कन्फ्यूज्ड है इस दोनों स्मार्टफोन लेकर। क्या अभी रेडमी 8A बाय करना सही होगा या रियलमी C3 के लिए रुकना सही होगा? कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट होने वाला है स्पेशली फॉर पबजी के लिए? क्या आप कन्फ्यूज्ड हो, जानना चाहते हो इस दोनों स्मार्टफोन से कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट होने वाला है? जानने के लिए ये वीडियो अब लास्ट तक जरूर देखते रहिए। हेलो गाइस, मैं हूँ संजय, आप देख रहे हैं टेक्निकल बाबा संजय यूट्यूब चैनल। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। बीच में वीडियो को अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक करना। उसी के साथ साथ जो मेरा नया मेहमान हो, अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। उसी के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल में क्लिक करिए। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं कहना चाहता हूँ, दोनों स्मार्टफोन का प्राइस जो रहने वाला है गाइस सेम, तो उसी प्राइस के अंदर कौन सा स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन बहुत ही अच्छा खासा है, क्योंकि गाइस स्पेसिफिकेशन के बारे में कौन सा स्मार्टफोन आगे निकल जाता है वो दोस्तों देख लेते हैं। पहला बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी की डिज़ाइन के बारे में। गाइस, रेडमी 8A आता है बैक साइड की तरह पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ। उसी के साथ साथ यहाँ पर ड्यूल कलर ग्रेन भी है और सिंगल कैमरा सेटअप और एक LED फ्लैक्स है बैक साइड की तरफ। और फ्रंट साइड की तरफ देखा जाए गाइस, स्मार्टफोन आता है वाटर ड्रॉप नॉच के साथ। उसी के साथ साथ यहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन है और इसका बेजल और नीचे जो चेन होने वाला है बहुत ही छोटा होने वाला है। और वहां पर रियलमी C3 आने वाला है बैक साइड की तरह पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ। उसी के साथ साथ यहां पर कुछ अलग से डिजाइन आने वाला है, वही डायमंड कट यहां पर नहीं आने वाला है गाइस, बैक साइड की तरफ सिंपल सा डिजाइन के साथ स्मार्टफोन आने वाला है। और यहां पर डुअल कैमरा सेटअप और एक LED फ्लैक्स रहने वाला है। और फ्रंट साइड की तरफ देखा जाए गाइस, स्मार्टफोन आने वाला है वाटर ड्रॉप नॉच के साथ। उसी के साथ साथ यहां पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी रहने वाला है और इसका बेजल और नीचे जो चेन होने वाला है बहुत ही छोटा होने वाला है। हाँ गाइस, दोनों स्मार्टफोन के अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर डिजाइन के बारे में देखा जाएगा थोड़ा बहुत आगे निकल जाता है रियलमी C3। उसी के साथ साथ इस दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में बात किया दोस्तों, यहाँ पर रियलमी C3 का जो डिस्प्ले होने वाला है 6.5 इंची HD+ डिस्प्ले के साथ स्मार्टफोन आने वाला है। उसी के साथ साथ यहाँ पर वाटर ड्रॉप नॉच भी है और इसका बेजल और नीचे जो चेन होने वाला है बहुत ही छोटा होने वाला है। और वहाँ पर रेडमी 8A आता है 6.22 इंची HD+ डिस्प्ले के साथ। उसी के साथ साथ यहाँ पर वाटर ड्रॉप नॉच भी है और इसका बेजल और नीचे जो चेन होने वाला है बहुत ही छोटा होने वाला है। गैस, दोनों स्मार्टफोन का डिस्प्ले क्वालिटी सेम होने वाला है, थोड़ा बहुत डिस्प्ले साइज बड़ा होने वाला है रियलमी C3 के अंदर। उसी के साथ साथ इस दोनों स्मार्टफोन की प्रोसेसर के बारे में बात किया तो यहाँ पर प्रोसेसर के बारे में बिल्कुल बाजी मारने वाला है रियलमी C3, क्योंकि गैस स्मार्टफोन आने वाला है हिलियो मीडियाटेक G70 चिपसेट के साथ, जो कि एक ऑक्टाकोर चिपसेट है। इसका जो क्लॉक स्पीड रन करता है 2 GHz में, उसी के साथ साथ एक प्रोसेसर 12 नैनोमीटर में बेस्ड है। गैस, स्मार्टफोन के अंदर पबजी लाइट तो बहुत ही आसानी से चलेगा। और दोस्तों पबजी मोबाइल के बारे में बात किया दोस्तों, अब मीडियम सेटिंग में बहुत ही आसानी से खेल पाओगे। और दोस्तों वहाँ पर Redmi 8 के बारे में बात किया दोस्तों, स्मार्टफोन आने वाला है Qualcomm Snapdragon का 439 प्रोसेसर के साथ, जो कि एक ऑक्टाकोर चिपसेट है। इसका जो क्लॉक स्पीड रन करता है 2 GHz में, उसी के साथ साथ एक प्रोसेसर 12 नैनोमीटर में बेस्ड है। गैस, स्मार्टफोन के अंदर भी गेमिंग परफॉर्मेंस ठीक ठाक मिलने वाला है, लेकिन गैस Redmi 8A से Realme C3 के अंदर थोड़ा बहुत बूस्ट मिलने वाला है गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए, इसलिए दोस्तों यहाँ पर प्रोसेसर के बारे में थोड़ा बहुत आगे निकल जाता है Realme C3। उसी के साथ साथ इस दोनों स्मार्टफोन की कैमरे के बारे में बात किया तो रियर कैमरे के बारे में बिल्कुल बाजी मारने वाला है Realme C3, क्योंकि गैस स्मार्टफोन आने वाला है बैक साइड की तरफ डुअल कैमरा सेटअप के साथ। इसका जो प्राइमरी सेंसर होने वाला है 12 MP, उसी के साथ साथ 5 MP डेप्थ सेंसिंग के लिए। इसके अंदर जो पिक्चर क्वालिटी आने वाला है बहुत ही अच्छा खासा। और दोस्तों वहां पर Redmi 8A आने वाला है सिंगल कैमरा सेटअप के साथ 12 MP के साथ। इसका जो एपरेचर होने वाला है 1.8 एपरेचर, लो लाइट में बहुत ही अच्छा खासा फोटो खींचेगा। गैस, दोनों स्मार्टफोन की नॉर्मल मोड होने वाला है
है बहुत ही अच्छा खासा। लेकिन गाइस रियलमी C3 के अंदर एक्स्ट्रा सेंसर भी है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर रियर कैमरे के बारे में बिल्कुल बाजी मारने वाला है रियलमी C3। उसी के साथ साथ इस दोनों स्मार्टफोन की सेल्फी कैमरे के बारे में बात किया तो दोनों स्मार्टफोन आने वाला है 8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरे के साथ, जिसका एपरेचर रहने वाला है 2.0 एपरेचर, लो लाइट में बहुत ही अच्छा खासा फोटो खींचेगा। उसी के साथ साथ इस दोनों स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में बात किया तो यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन आने वाला है 5000 mAh बैटरी के साथ। उसी के साथ साथ यहाँ पर आउट ऑफ बॉक्स रेडमी 8A आता है 18W चार्जर के साथ, इसलिए दोस्तों यहाँ पर बैटरी के बारे में थोड़ा बहुत आगे निकल जाता है रेडमी 8A। उसी के साथ साथ इस दोनों स्मार्टफोन की स्टोरेज के बारे में बात किया तो रेडमी 8A आने वाला है 2 वेरिएंट स्टोरेज के साथ। इसका जो बेस वेरियंट है दोस्तों 2GB 32GB, उसी के साथ साथ 3GB 32GB वाला वेरियंट भी है। और वहाँ पर रियलमी C3 आने वाला है 2 वेरिएंट स्टोरेज के साथ, इसका जो बेस वेरियंट रहने वाला है 3GB 32GB 4GB 64GB। उसी के साथ साथ इस दोनों स्मार्टफोन आने वाला है आउट ऑफ बॉक्स 5 के साथ। दोनों स्मार्टफोन के अंदर है 3.5mm ऑडियो जैक। इसके बाद आते हैं इस दोनों स्मार्टफोन की प्राइस के बारे में। गाइस रेडमी 8A का जो बेस वेरिएंट 2GB 32GB वाला वेरिएंट का जो प्राइस रहने वाला है 6,499 रुपीस, और 3GB 32GB वाला वेरिएंट का जो प्राइस होने वाला है 7,000 रुपीस। और वहाँ पर रियलमी C3 का जो बेस वेरिएंट 3GB 32GB वाला वेरिएंट आने वाला है 7,000 रुपीस के अंदर, और 4GB 64GB वाला वेरिएंट आने वाला है 8,000 रुपीस के अंदर। गाइस दोनों स्मार्टफोन का प्राइस है बहुत ही अच्छा खासा, दोनों स्मार्टफोन उसका प्राइस के हिसाब से बहुत ही अच्छा खासा स्पेसिफिकेशन भी प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन गाइस इस दोनों स्मार्टफोन से कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट होने वाला है, कौन सा स्मार्टफोन आपको बाय करना चाहिए, गाइस दोनों स्मार्टफोन की 3GB 32GB वाला वेरिएंट के हिसाब से देखा जाए गाइस यहां पर रियलमी C3 बिल्कुल बाजी मारने वाला है। क्योंकि गाइस रियलमी C3 का जो प्राइस रहने वाला है 3GB 32GB वाला वेरिएंट का जो है दोस्तों 7,000 रुपीस, और 7,000 रुपीस के अंदर ऑल एवरेज पैकेज प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि यहां पर डिजाइन है बहुत ही अच्छा खासा, उसी के साथ साथ बैक साइड की तरफ डुअल कैमरा सेटअप भी है। हां गाइस यहां पर 5000 mAh के बैटरी भी है, लेकिन गाइस यहां पर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं है। लेकिन गाइस यहाँ पर जो गेमिंग परफॉर्मेंस मिलने वाला है बहुत ही अच्छा खासा, और थोड़ा बहुत बेटर मिलने वाला है रेडमी 8A से, इसलिए दोस्तों इस दोनों स्मार्टफोन से बिल्कुल बाजी मारने वाला है 7,000 रुपीस के अंदर रियलमी C3। अगर आपका बजट बहुत ही कम है, अगर आपको चाहिए रेडमी की ब्रांडिंग, तो आप रेडमी 8A की तरफ जा सकते हो। रेडमी 8A भी बहुत ही अच्छा खासा स्मार्टफोन है। ऐसे भी गाइस मेरे हिसाब से और इस दोनों स्मार्टफोन से बेस्ट स्मार्टफोन होने वाला है रियलमी C3। तो आपको क्या लगता है कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों सबका राय तो अलग अलग होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, उम्मीद करता हूँ मैंने आपका सारा डाउट क्लियर करा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना, उसी के साथ साथ जो मेरा नया मेहमान हो अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, उसी के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल में क्लिक करिए, क्योंकि दोस्तों मैं इसी चैनल में इसी तरह का वीडियो एंड लेटेस्ट स्मार्टफोन की अपडेट लाता रहता हूँ सबसे पहले आप लोगों के लिए। तो सब्सक्राइब तो बनता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर फ्रेंड्स।